करोड़ों की लागत से कांची नदी पर बना उच्च स्तरीय पुल यास तूफान में बहकर गिर गया। 25 स्पेल का ये उच्च स्तरीय पुल ग्रामीण विकास विभाग विशेष प्रमंडल ने महज 3 साल पहले 13 करोड़ की लागत से बनवाया था। ये पुल 3 ब्लॉक तमाड़, बुंडू और सोनाहातू को जोड़ता था। स्थानीय लोगों की माने तो पुल निर्माण में बरती गई अनियमितता पुल ध्वस्त होने का कारण है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी वजह पुल के आसपास नदी से अवैध बालू खनन को माना जा रहा है। वहीं पुल के ध्वस्त होने की खबर मिलते ही स्थानीय विधायक विकास मुंडा मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं विधायक ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। पूर्व में भी एक पुल जिस तरीके से धसा था उसी तरह की स्थिति यहाँ देखने को मिली और संभवतः मुझे लगता है कि दोनों पुल के काम करने वाले एक ही कॉन्ट्रैक्टर है और उन्हीं का काम में इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, ये तो सबसे बड़ा सोचने की बात है। तो निश्चित तौर से हम लोग इसको जांच तो करवाएंगे, जांच निश्चित तौर से होगी कि क्यों किस हालात में, क्योंकि पुल जब उच्च स्तरीय पुल की हम लोग बात कर रहे हो, इतने बड़े नदी के मुहाने पर जब पुल बनाया गया था तो ये सब चीज़ों को तो देखा ही गया होगा कि भाई तकनीकी रूप से क्या क्या चीज़ें और मजबूत करने की आवश्यकता हो ताकि पुल मजबूत बने, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि उन सारे पहलुओं को ठीक से ध्यान नहीं दिया गया होगा जिसके कारण ये नतीजा देखने को मिल रहा है। जाहिर है कि इससे पहले भी अवैध बालू तस्करों के कारनामे से इसी स्तर के 2 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। इस तीसरे पुल के ध्वस्त होने के पीछे यास तूफान की वजह से होने वाली बारिश तो एक बहाना है। महज 3 साल में करोड़ों के इस पुल का इस तरह गिर जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। या तो इसमें सिस्टम का करप्शन भी बोला जा सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे अच्छा रॉ मटेरियल यूज होता, पिलर अच्छा मान के चलिए अगर 15 फीट 20 फीट गड्ढा करके दिया जाता तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है, यहाँ पे बालू का चोरी माइनिंग के द्वारा, माइनिंग वाले आते हैं यहाँ पे चेकिंग करने, लेकिन उससे पहले ही स्थानीय लोगों या फिर थाना के द्वारा इनको सूचना कर दिया जाता है। मैंने तो आज तक नहीं सुना है किसी माइनिंग वाले ने जैसे भी पकड़ लिया या फिर कोई स्थानीय लोग ही, यहाँ की पुलिस ही जिसे भी पकड़ के ले जाती है तो उसे भी फाइन वगैरह भरा के छोड़ दिया जाता है। कितना गाड़ी यहाँ पर लगा हुआ रहता है? यहाँ पे हम हमेशा बगल में सोनाहातू बाजार पड़ता है और मंगलवार शनिवार और बुंडू जाने के लिए भी यही एकमात्र रास्ता है, हम हमेशा आते जाते रहते हैं। हमेशा आप यहाँ पे देखिएगा 30-35 ट्रैक्टर इधर साइड भी मिला के, दोनों पुल के इस पर उस पर मिला दीजिएगा तो 50-60 ट्रैक्टर हमेशा रहता है। यहाँ पर जो बालू खनन अभी हो रहा है पूरा माफिया का, रांची टाटा बॉम्बे यहाँ से बालू खनन लेके जा रहा है डेली, यहाँ पर 2000-3000 जिस पे लगा रहता है। तो हम लोग ग्रामीण से क्या बोले, हम मेरा घर यहाँ से भिटूडी श्रेणी तमाड़ है, 1 किलोमीटर की दूरी में है, यहाँ से हम लोग बोलते हैं तो क्या होगा। आप लोग का सामने के गाँव का जो जितना भी माफिया है साथ में जो विधायक है वो भी उसके साथ में मिला भगत है और वो प्रशासन है वो भी मिला भगत है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।